मैंने देखा है विद्यालयों में, जैसे सीसी अभी एक सैद्धांतिक समझ के रूप में शिक्षकों के सामने आया है। अपनी बात करूं तो मेरे को एक सीसी और आरटी के बीच एक बहुत सीधा सा लिंकेज ये है कि यदि आपके आरटी के जो नॉर्म्स है, जो डिमांड्स आपको पॉलिसी जनरेट करी है आपके सामने, जो मांग है आपसे एक विद्यालय से, जो मांग कर रही है कोई भी नीति, यदि उसको आपको पाना है तो उसके साथ उसका एकमात्र और आखिरी विकल्प सीसी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत जहां वो लगातार उसके मूल्यांकन को कहता है, और मूल्यांकन इसलिए नहीं कहता कि मूल्यांकन उसको सीखे हुए का मूल्यांकन करने की बात नहीं करता, उस सिखाने के लिए मूल्यांकन करता है, उस परीक्षाओं के भय से वो मुक्त कराने की बात करता है। व्यापकता, व्यापकता यह है कि बच्चों को सिर्फ वो पेंसिल पेपर टेस्ट तक ना करें। हो सकता है बच्चा कोई पेंसिल पेपर टेस्ट नहीं भी करता, लेकिन उसकी अगर जो एक साधारण सा बच्चा है वो हासिल के जोड़ घाव घटाव नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक दुकान पर भी जा करके वो एक आम जो दैनिक जीवन की खरीदारी कर पाता है, या अपने जो छोटे मोटे किसान हैं बच्चे उनकी अगर जो सब्जियां होती हैं उसको अगर बेच पाता है, वो लाभ हानि को समझ पा रहा है, तो उस ज्ञान को भी उसमें बल मिलना चाहिए। लेकिन ये ना हो, और अधिकतर हुआ क्या है कि पेंसिल पेपर टेस्ट को ही हम देते आए हैं, तो इस तरह से जब हम उसको आते हैं तो अब वहां पर क्या है कि कई बार क्वेश्चन पेपर इस तरह से अभी भी आज की डेट पर आ रहे हैं। शिक्षकों की समस्या आती है, आज भी बात हम सीसी की कर रहे हैं, आरटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो परीक्षा प्रणाली है जिसको मैं कहूँ, वो भी अपने ट्रेडिशनल बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है, तो दुविधा में फंसा हुआ शिक्षक की मैं उस प्रश्न पत्र के काम करूँ या आरटी के नॉर्म्स की बात करूँ, और इसके साथ भी कुछ और जैसे तकनीकी पेज है, जैसे आरटी की बात करूँ, आरटी का सबसे बड़ी जो एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात करता है कि आयु अनुसार उसको क्लास मिल लीजिए। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कहीं फॉर्मल कोई एजुकेशन नहीं ली है, फॉर्मल इनफॉर्मल, और यदि वो आपके विद्यालय में आता है तो आप यदि उसकी आयु 12 और 13 साल की, तो आपको कक्षा 6 या 7 में जैसे भी उसकी आयु है एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी तक शिक्षक इसमें एक हामी तो भर रहा है, लेकिन उसको अंतर्मन से उसका एक कहीं स्वीकारोक्ति नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे जिसने कभी वर्णमालाओं तक का ज्ञान नहीं लिया है, हम उसको साथ में निबंध लेखन या इस तरह की जो साथ की दक्षता है उनको पालन कर पाए। तो ये अभी गतिरोध भी कहीं ना कहीं है और अंतर्द्वंद भी है। तो यदि पॉलिसियों को आना है तो इसको एक पूरे विस्तृत कार्यक्रम के साथ आना पड़ेगा कि ऐसी जो समस्याएं हैं, अभी ये समस्याएं आई हैं, इस पर कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कोई खाका सामने नहीं दिख रहा है कि इस तरह से किसी बच्चों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात इसमें एक और जो आती है, नो रिटेंशन पॉलिसी, क्योंकि एक कहावत बहुत इस्तेमाल करते हैं कि बिन भय हो न प्रीति। सब शिक्षकों की आम बात आती है कि भाई जब बच्चे को कोई डर ही नहीं होगा, कि उसको ये डर ही नहीं होगा कि मैंने तो रुकना है नहीं, मुझे 7वीं से 8वीं में जाना ही जाना है और ठहराव कहीं होगा नहीं, और पूछा भी जाएगा मुझे फेल करेगा तो शिक्षक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक एक उसमें है कि मैं उसको पास भी करता हूँ, यदि उसको नो डिटेंशन पॉलिसी के आधार पर उसको प्रमोट भी कर देता हूँ तो मेरी फिर भी जवाबदेही बनती है, फेल कर देता हूँ तो मेरी तब तो खैर निश्चित रूप से जवाबदेही है। तो एक शिक्षक अभी एक मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति में है, वो अभी भी चाहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सब बच्चे 7 से 8 में ले जाने के लिए आप कितना भी अधिकतम प्रयास करें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रह ही जाते हैं, जैसे अनुपस्थित बच्चे रहते हैं, घर की स्थिति ऐसी है, तो उनको 7 से 8 तो कहीं ना कहीं अभी भी वो चाहते हैं कि ऐसा जरूर हो कि जो भी बच्चा आगे जाए वो थोड़ा सा कम से कम MLL जो कहते हैं न्यूनतम अधिगम दक्षताओं को जो जानता हो उसी को प्रमोट किया जाए। तो इसके बारे में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें, और शिक्षक अभी अपने को एक सही स्थिति में नहीं पा रहा है, इसके तरीके निकल सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान योग्य बात होगी कि उनके जो पाठ्यक्रम को है उनको कहीं हमको उसको इतना डेवलप करना पड़ेगा कुछ बुनियादीगत चीज़ों को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बच्चा जिसने कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली है, लेकिन जो NCF कहता है वो बहुत समृद्ध परिवेश का ज्ञान लेकर के आया रहता है, जैसे हम किसी बच्चे को कोरी स्लेट नहीं मानते, हम उसको अंतर्निहित क्षमताओं से लैस एक मानव मानते हैं, एक पूरी क्षमताएं उसके पास है सिर्फ, लेकिन जो बुनियादीगत चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ने के तौर तरीके कहते हैं, पढ़ना लिखना, तो ये जो दक्षताएं हैं इनके लिए एक सॉलिड मैपिंग होनी चाहिए, किस तरह से कार्यक्रम होगा, प्लान वे में आना चाहिए। ये जरूरी, मैं इसको आज भी मानता हूँ कि बच्चा यदि स्कूल ना, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी स्कूल भी ना देखा और विश्व स्तर पर भी उनका नाम है, बहुत विद्वान ऐसे हैं, और बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा जितने बड़े विद्वान हैं तो उन्होंने जब वो महान बने हैं तो उन्होंने जो बाउंड्री है स्कूल की लागी है तभी, तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान को हमको लेना पड़ेगा जो उस परिवेशीय ज्ञान की जिसको हम बात करें, उस परिवेशीय ज्ञान के आधार पर, उसकी समझ के आधार पर उसको हम उसको क्लास में लेना पड़ेगा। और ये जो बुनियादीगत दक्षताएं हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना,
बोलना भी उस पर विकसित हो जाएगी, या पढ़ना लिखने पे मुझे लगता है जहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड कार्यक्रम होना चाहिए।